हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप मज़े से अपना क्रिसमस और न्यू ईयर एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी। अपनी क्रिसमस पार्टी पे, न्यू ईयर पार्टी पे या फिर आपके बच्चों का बर्थडे हो तो ज़रूर इसे ट्राई करें, हमेशा ही हिट रहेगी ये। तो चलिए देख लेते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं। 6 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, और मटर, मेरे बच्चों को मटर बहुत पसंद है इसलिए थोड़े ज़्यादा ही ली हैं। 2 करी शिमला मिर्च, कैप्सिकम, 4 टमाटर, जिंजर गार्लिक, 3 ग्रीन चिली और 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने। पाव भाजी मसाला लगेगा और बटर, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और मिर्च, मैंने देगी मिर्च इस्तेमाल की, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 बड़ा बर्तन लिया है लेंगे हम, इसे फुल हीट पे आप चढ़ा देंगे गैस पे। करीब 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, मुझे मस्टर्ड ऑयल में बनाना पसंद है, बटर हम बाद में डालेंगे, और इसको हीट होने देते हैं। अभी हीट हो चुका है, ये अच्छे से आँच आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना चॉप्ड, रफली चॉप्ड प्याज, अनियन, अच्छे से भूनना है इसे प्याज डालकर। क्योंकि जितने आप मसाले अच्छी तरह भून लेंगे, ब्राउन होने देंगे, उतना ही आपका टेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अच्छे मसालों से वैसे भी कोई टेस्ट नहीं आना। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ग्रीन चिली के साथ हमने बनाया था वो ऐड करेंगे इसमें। अब इसको फिर से मिला देंगे इससे, और 1-1.5 मिनट के लिए वापस से भूनना है इसको। कच्चापन उसका जिंजर गार्लिक का चला जाना चाहिए। हमने इसमें मटर डाल दी है, अपनी सारी सब्जियां, कैप्सिकम सब रफली चॉप करके हमने डाल दिया है इसमें। इसको कुछ देर चलाते हुए भूनना है। अभी सब ग्रीन ग्रीन हो गया है हमारा। अभी रेड टमाटो हमको इसमें डालने हैं थोड़ी देर में। ये मटर को गलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, तब तक हम अपने आलू को हाथ से दबा के फोड़ के मैश कर लेंगे। आलू हमने मैश कर लिए हैं, देखते हैं। हमारी मटर और कैप्सिकम की गैस बढ़ा दी हमने, तेज़ कर दी गैस। चलिए देखते हैं हमारी मटर किस कंडीशन में है। अभी भी इसमें कुछ दाना बाकी है, इसको हम इस स्टेज पे हल्दी, धनिया, मिर्च, देगी मिर्च और नमक डालते हैं, इससे इसके हीटिंग प्रोसेस और पकने में आसानी होगी। पाव भाजी मसाला भी हमने डाल दिया है ताकि वो इन सब्जियों के साथ अच्छे से भुन के अपना फ्लेवर तेल में छोड़ दे। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको एक बार फिर से चलाकर देखेंगे। अब इस स्टेज पे हम अपने टमाटर डाल चुके हैं क्योंकि हमारी मटर पक चुकी है। टमाटर डालने के बाद सारा पकना ख़त्म हो जाता है, पकने का प्रोसेस, तो सब चीज़ें गला के पका के ही हम टमाटर डालते हैं। देसी टमाटर है, बहुत जल्दी गल जाता है। थोड़ा सा इसको चलाना है, कुछ देर गैस छोड़ दीजिए आप, बहुत जल्दी गल जाता है ये देसी टमाटर। थोड़ा नमक और मुझे लग रहा है कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक बढ़ा देंगे। फिर से एक बार इसको गिव इट अ क्विक स्टर। ऑलमोस्ट हमारा टमाटर हो चुका है। अब हम इसमें अपने मैश्ड आलू जो हमने हाथ से किए थे वो मिला दे रहे हैं, और सब चीज़ें वापस से मिलाएंगे। अब हमारा सबसे मुश्किल प्रोसेस शुरू होने वाला है, इन सब की अच्छी सी सिल्की ग्रेवी बनाना।
पोटैटो को मैश करना। पोटैटो मैशर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको जितना हो सके करछुली से, फिर ऐसा एक गिलास लिया है मैंने, इसको पकड़ के इससे मैश करना शुरू करेंगे। ये पोटैटो मैशर की तरह ही काम करता है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। ये सबसे मुश्किल काम है पाव भाजी का, आपकी रिस्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जानी है इसे करते करते, लेकिन करना तो है ही। इस स्टेज पे आप पानी बिल्कुल ना डालें, मैश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना हो सके बिना पानी के ही इसे मैश कर लीजिए। जो गिलास पे लग गया था मैंने वापस डाल दिया है अपने मिक्सचर में। सब तरीके से इसको मैश करना है, कैसे भी करके एक सिल्की स्मूथ ग्रेवी टाइप का सेमी। अब मुश्किल हो गया था इसको मैश करना, इसलिए मैंने आधा चम्मच आधा गिलास पानी डाल दिया है और फिर से वापस वही काम शुरू करेंगे। अपने करछुल से मैश करेंगे। देगी मिर्च ने अपना पूरा कलर छोड़ दिया है पूरा। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे ताकि बटर भी सबके साथ अच्छे से मैश हो जाए। स्टार्टिंग में बटर डालने से उसका मुझे कुछ टेस्ट नहीं आता, इसलिए हम इस स्टेज पे सब मसाले भून चुके हैं, देगी मिर्च का कलर आ चुका है। अब हम बटर डालेंगे तो हमारा लास्ट तक बटर का टेस्ट एज इट इज़ रहेगा। फिर हमने वही गिलास पकड़ के उसको मैश करना स्टार्ट कर दिया। सबसे मुश्किल काम पाव भाजी बनाने में यही मैशिंग होती है। जितना करिए उतना कम है ये। अब मुझसे और ज़्यादा नहीं हो रही, बस पाव भाजी बन चुकी है मेरी। कुछ चॉप्ड कोरिएंडर और एक नींबू लिया है मैंने, नींबू को लेमन स्क्वीज़र में डाल के इसको स्क्वीज कर देंगे। इसका एक बार इसको अच्छे से चला देंगे, फिर हमारी भाजी तैयार है। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी भाजी मैंने तवे पे डाली है पाव को सेकने के लिए और बटर इसके साथ मिला के चार पाव इसको अच्छे से सेक दीजिए एक तरफ से। इसको पलटते हुए दबा दबा के सेकना है इसको भी। थोड़ा सा बटर लगाएंगे इस साइड भी। ये पाव मेरे पतले वाले हैं, इसको बीच से कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मोटे वाले पाव हों तो उनसे बीच से कट करके आप खोल के सेकिए। ये मेरे पास बहुत पतला पाव है, इसको बीच से काट के एकदम ब्रेड बन जानी है इसकी। इसको सर्व कर दीजिए। हमारी बहुत बढ़िया सी पाव भाजी बन के तैयार है। अनियन बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, तो अनियन ज़रूर सर्व करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल निक्कीज़ रसोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।